हाय गाइस, मेरा नाम मिथुन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल मित्रशील को। दोस्तों, आपके मन में फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल वेरिफिकेशन को लेके काफी सारे क्वेश्चन आता है कि वेरिफिकेशन का क्या फायदा है, वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे करना होता है, वेरीफाई कैसे अप्रूव होगा और ना जाने कितने सारे डाउट रिक्वायरमेंट को लेके। तो आज के इस वीडियो पे इन सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, वो भी प्रैक्टिकली। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। तो दोस्तों, हाल ही में फेसबुक ने वेरिफिकेशन को अच्छे से समझाने के लिए और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए अपने ही फेसबुक पोर्टल के अंदर वेरिफिकेशन को लेके काफी सारे जानकारी दिया। सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको वेरीफाई होना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे फेसबुक ने टर्म सर्विस पे मेंशन किया है। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है, योर अकाउंट मस्ट रिप्रेजेंट ए रियल पर्सन, रजिस्टर्ड बिजनेस और एंटिटी। इसका मतलब है, अगर आपका प्रोफाइल रियल है या फिर आपका पेज रियल है, किसी बिजनेस एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी पर्सन को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, उसी केस पे आपका पेज वेरिफिकेशन का फर्स्ट जो टर्म्स एंड पॉलिसी है उसको फॉलो करता है। सेकंड जो पॉलिसी है वो है, योर अकाउंट मस्ट बी यूनिक प्रेजेंस ऑफ द पर्सन एंड बिजनेस इट रिप्रेजेंट। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि आपका जो अकाउंट होगा वो यूनिक होना बहुत जरूरी है, यूनिक प्रेजेंस होना चाहिए एज ए पर्सन एज ए बिजनेस। तो यहाँ पे नोटेबल एंटिटी या फिर नोटेबल बिजनेस या नोटेबल पर्सन के एक एग्जांपल भी प्रोवाइड किया है, जैसे मान लो के पेट्स, कोई पेट सर्विस या फिर कोई पब्लिकेशंस जो के रजिस्टर्ड बिजनेस होता है, या फिर कोई इंडिविजुअल जिस वेल नोन है, नोटेबल है, ये अगर होगा तो भी आप सेकेंड टर्म्स एंड पॉलिसी को कंप्लीट करते हो, मानते हो। थर्ड जो पॉलिसी है वो है, ओनली वन अकाउंट पर पर्सन और बिजनेस मे बी वेरीफाइड विच एक्सेप्शन फॉर द लैंग्वेज स्पेसिफिक अकाउंट। तो इसका मतलब है, एक आदमी का एक ही वेरीफाइड अकाउंट हो सकता है या फिर एक बिजनेस का एक ही वेरीफाइड अकाउंट हो सकता है, एक ही नाम से दो तीन वेरिफिकेशन नहीं मिलता। तो ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है, योर अकाउंट मस्ट बी पब्लिक। आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है उस पर कोई भी चीज प्राइवेट नहीं रहना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। तो सेटिंग्स पे आपको अकाउंट को पब्लिक अकाउंट या पब्लिक पेज रखना है। प्राइवेट पेज या प्राइवेट अकाउंट होगा तो वो वेरीफाइड के क्वालिफिकेशन नहीं कर पाए। उसके साथ हैव अबाउट सेक्शन, आपके प्रोफाइल या फिर पेज पे अबाउट सेक्शन को फिल अप करना बहुत जरूरी है वेरिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके साथ बायो, बायो यानी कि आपका बायोडाटा या आप ब्रीफ में जो लिखते हो समरी, वो आपके प्रोफाइल के बारे में या फिर आपके पेज के बारे में वो पार्ट भी लिख के रखना है। उसके साथ है प्रोफाइल फोटो। अब सलमान खान, शाहरुख खान का बहुत सारे लोग प्रोफाइल फोटो रखते हैं अपने नाम के साथ, तो वो सब अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। और जो पेजेस है वो भी अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट ना करके कोई क्रिकेटर का पिक्चर रख देते हैं, कोई एक्टर्स का पिक्चर रख देते हैं, तो वो सारे पेज जो है वेरीफाइड नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ कहना है, आपका पिक्चर, आपके पर्सनालिटी या फिर आपको एज ए पर्सन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपका पेज का जो लोगो है वो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका ही फोटो रहना है, अगर वो बिजनेस है तो बिजनेस लोगो रहना है। और उसके साथ एटलीस्ट वन पोस्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है आपके पेज पे या आपके प्रोफाइल पे एटलीस्ट वन पोस्ट तो रहना ही है, वन पोस्ट से वैसे भी काम नहीं बनने वाला। अगला पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट करते हुए लिखा है, योर अकाउंट मस्ट रिप्रेजेंट वेल नोन। तो अकाउंट वेल नोन तभी होगा जब लोग आपके बारे में सर्च करेगा और आप पहले से कोई इन्फ्लुएंसर होंगे, जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, क्रिकेटर, पॉलिटिशियंस या फिर आर्टिस्ट लोग होते हैं, तो उनके प्रोफाइल ज्यादातर आप देखे होंगे, वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाता है क्योंकि वो लोग यूनिक आइडेंटिटी होता है, यूनिकनेस उनके प्रोफाइल पे पहले से ही शामिल होता है। तो आम आदमी को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको नोटेबल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट कहा है, हाईली सर्च फॉर पर्सन, आपके बारे में मान लो फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्चेस बहुत ज्यादा है उस टर्म का, आपके नाम का, आपके ब्रांड का, तो ही आप वेरिफिकेशन के लिए इलिजिबल हो सकते हो या फिर अप्लाई करने में आपको वेरिफिकेशन मिल सकता है। और उसके साथ बोला है ब्रांड एंड एंटिटी, अगर आप हुए तो भी आपको चांसेस रहेगा। अब दोस्तों, ये तो बात कर लिया वेरिफिकेशन के रूल्स गाइडलाइंस को, अब आपके मन में ये भी आया होगा कि ये वेरिफिकेशन का फायदा क्या है। तो चलिए फेसबुक क्या कहते हैं वही देखते हैं। ये भी फेसबुक का ऑफिशियल हेल्प सेंटर है जहां पे लिखा है, द वेरीफाइड बैच, जब भी आपको ये ब्लू टिक मिलेगा
किया. इट मींस फेसबुक हैज कॉन्फर्म दैट पेज और प्रोफाइल इज ऑथेंटिक प्रेजेंट. आपका एक ऑथेंटिक प्रेजेंस बनेगा उस वेरिफिकेशन बैच के वजह से, ताकि फेक पेजेस शाहरुख खान सलमान खान का अलग हो जाए, जो कि वेरीफाइड पेज या प्रोफाइल होगा शाहरुख खान सलमान खान का. तो उससे आप उस पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा प्रोफाइल या कौन सा पेज ऑथेंटिक प्रेजेंस है, पब्लिक फिगर कौन सा ऑथेंटिक है, ब्रांड कौन सा ऑथेंटिक है. तो इससे आप जांच पड़ताल कर पाओगे. यही फायदा है वेरिफिकेशन बैच का. ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन बैच मिलेगा तो पेज पे कोई पॉलिसी इशू होगा तो फेसबुक माफ कर देगा, या कॉपीराइट कंटेंट डालोगे तो फेसबुक माफ कर देगा. ऐसा नहीं. तो सोच समझ के आप लोग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना, अगर जरूरत हुआ तो ही करना. अब बात आता है फाइनली कि वेरिफिकेशन बैच के लिए हम अप्लाई करें तो आज के डेट पे करें कैसे. तो इसके लिए ये वाला लिंक मैं आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे भी दे दूंगा. आप लोगों को इसी लिंक को ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप पेज को वेरीफाई करना चाहते हो या प्रोफाइल को वेरीफाई करना चाहते हो. से फॉर एग्जाम्पल आप पेज को वेरीफाई करना चाहते हो तो आपको पेज सिलेक्ट करना है. उसके बाद यहाँ से आपको अपना पेज जो भी होगा वेरीफाई करने के लिए उसको सिलेक्ट कर लेना है. और उसके बाद दोस्तों आपको आपका नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, जो कि यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है. तो सबसे पहला ड्राइविंग लाइसेंस होता है, अगर है तो ये सिलेक्ट करो, नहीं तो पासपोर्ट सिलेक्ट करो, अगर है तो यूज़ करो, नहीं तो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो कि सबके पास होता है ये आप यूज कर सकते हो, नहीं तो टैक्स फिलिंग या फिर रिसेंट यूटिलिटी बिल या फिर आर्टिकल इनकॉर्पोरेशन कोई भी यूज कर सकते हो. तो मैं तो कहूंगा आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यूज कर लो, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर लो अगर है, नहीं तो पासपोर्ट यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकते हो. और उसके साथ यहाँ पे आपको वो फाइल अपलोड करना है, ठीक है. यहाँ पे फाइल अपलोड कर दोगे वो नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ, और यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे कौन सा आप डाल रहे हो. और उसके बाद कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपका पेज कौन सा कैटेगरी का है, या फिर आप किस तरीके का ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो. तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, अगर मैच होता है तो इससे सिलेक्ट करो, नहीं मैच होता है तो अदर सिलेक्ट कर सकते हो. तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डिजिटल क्रिएटर ये सब सिलेक्ट कर लिया. और उसके बाद आपको यहाँ से अपना कंट्री डालना है, जैसे मेरे केस पे इंडिया होगा तो मैंने इंडिया सिलेक्ट मार दिया. आपके केस पे जो भी कंट्री है वहाँ पे टाइप कर लो तो वो आ जाएगा. और यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन है, ये आप डालो ना डालो आपकी मर्जी है. आपको यहाँ पे कहना है डिस्क्राइब द पर्सन हु फॉलो योर पेज एंड प्रोफाइल, कौन सा टाइप का ऑडियंस आपका पेज या फिर प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना. तो ये आप डिस्क्राइब कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पीपल शुड वेरीफाई दिस ऑनर ऑफ दिस पेज, क्यों क्यों रीजन क्या होगा, किस वजह से करना है और कौन फॉलो करता है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया. और उसके बाद यहाँ पे ऑल्सो नोन एज, ये ऑप्शनल है, ये डालो ना डालो कोई मतलब मायने नहीं रखता, ये ऑप्शनल है. अगर है तो डाल सकते हो. यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लो कि आपका एज ए पर्सन और भी नाम है और लैंग्वेज पे और भी दूसरे नाम से आपको बुलाया जाता है, तो वो नाम यहाँ पे उस लैंग्वेज पे मेंशन कर सकते हो. तो मेरे केस पे ऐसा कुछ नहीं है तो मैं नहीं करूंगा. और उसके बाद यहाँ पे आपको आपके डिफरेंट सोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका. अगर आपके बारे में इंटरनेट मीडिया पे बहुत ज्यादा टॉक है तो आपको यहाँ पे वही आर्टिकल को ऐड करना है. यहाँ पे 5 आर्टिकल आपको ऐड करना है, और मैं कहता हूं यही 5 आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा आगे चल के आपका पेज वेरीफाई होगा या नहीं होगा, आपका प्रोफाइल वेरीफाई होगा या नहीं होगा. तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फेसबुक के तरफ से बोला गया है, वो है कि वी वेरीफाई अकाउंट दैट फीचर्ड इन मल्टीपल न्यूज सोर्सेस. ये सबसे बड़ा बात है, आपका पेज या प्रोफाइल वेरीफाई होना या ना होना इसके ऊपर ही डिपेंड करता है. इसीलिए बहुत सारे क्रिएटर भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि आपके बारे में नोटेबल टॉक होना चाहिए वेबसाइट पे. वेबसाइट यानी कि जो आपका न्यूज मीडियास होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल न्यूज सोर्सेस, तो बड़े बड़े जो न्यूज मीडियास हाउस होते हैं उनके आर्टिकल पे आपके बारे में जिक्र होना चाहिए, आपके बारे में ब्लॉग आर्टिकल लिखा जाना चाहिए, और उस लिंक को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेज या प्रोफाइल जो है वेरीफाई होने का चांसेस है. अब पीआर एजेंसी या कोई भी मीडिया हाउसेस क्या करते हैं, जब किसी का भी पेज को वेरीफाई करते हैं तो वही जो न्यूज सोर्सेस होता है उनसे आप
आपका एज ए इंडिविजुअल या एज ए ब्रांड जो आपके बारे में टॉक होता है उसका लिंक को लेके यहाँ पे डालते हैं और फिर सेंड करते हैं। और अगर आपके बारे में वो सब टॉक नहीं है मीडिया पे तो क्रिएट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट न्यूज मीडिया पब्लिशर हाउस को पैसा दे के आपके बारे में आर्टिकल लिखा के फिर उस आर्टिकल का लिंक यहाँ पे डाल के फिर सेंड किया जाता है, तब जाके आपका वेरिफिकेशन जो है वो अप्रूव होता है। तो चीजों को समझ लो, बहुत सारे नॉर्मल लोग मेरे जैसा लोग भी चाहते हैं वेरीफाई करने के लिए, मगर मैं वेरीफाई अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दीप्तनुशील एज ए इंडिविजुअल आप लोग जानते हो सोशल मीडिया में टॉक है, मगर न्यूज मीडिया हाउस ने दीप्तनुशील के बारे में कोई टॉक नहीं किया है, कोई लिखा जोखा नहीं है, आर्टिकल वगैरह नहीं है। जब मेरा होगा तब मैं भी यहाँ पे डालूंगा और फिर सेंड करूंगा तो मेरा अकाउंट या मेरा प्रोफाइल भी वेरीफाई हो जाएगा। यही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास वो आर्टिकल है ऑलरेडी जो कि आप न्यूज मीडिया, ऐसा मत समझना कि लोकल किसी को दे के लिखा दिया, न्यूज मीडिया वेबसाइट का भी वेटेज होना बहुत जरूरी है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या बड़े बड़े जो न्यूज मीडिया हाउसेस है जी न्यूज, स्टार न्यूज, आज तक, इन सारे न्यूजों पे अगर वेबसाइट पे आपका टॉक होता है और उस आर्टिकल का लिंक आप यहाँ पे डालोगे तो ही जाके आपका वेरिफिकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगा। फर्स्ट टाइम में कभी कभी किसी किसी का रिजेक्ट हो जाता है और फिर जब थोड़े देर बाद फिर से अप्लाई किया जाता है तो वो हो जाता है, अगर आपका वो लिंक्स पे पावर है, वेटेज है तभी। होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पूरा पता चल गया है वेरिफिकेशन प्रोसेस को कैसे अंजाम देना है, इसका क्या बेनिफिट है और क्या इसका रिक्वायरमेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहो, आबाद रहो और मन पर काम करो दोस्तों। बाय।